जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि मैथ्स जो है 30% फ्रॉम टीचर साइड होती है, 30% एफर्ट्स फ्रॉम टीचर। तो अगर कोई, अगर आप कोई भी किसी भी लेवल पे, अगर मैथ्स की खाली बात करें, आप चाहते हो कि उस चीज में सक्सेस हो जाए, मैं आईआईटी जेई एग्जाम की नहीं कर रहा, कोई सा भी एग्जाम हो अगर वो मैथ रिलेटेड है, तो 30% एफर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं टीचर की तरफ से और 70% होते हैं एफर्ट्स फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट अगर 70% एफर्ट्स लगाएगा, अब आप देखिए कि 70% आप कैसे लगाओगे जब यहाँ सारी चीज़ें आप चाहते हो कि हमें, हम आपको पूरी पिक्चर दिखा दें ऐसे एक 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 करके, तो फिर आपके लिए क्या बचा? तो प्रैक्टिस कहाँ से होगी? मैथ्स, मैथ्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। इफ़ यू आर नॉट डूइंग प्रैक्टिस, सिंपली उसको ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे हिस्ट्री, हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो प्रैक्टिस है उसमें जो मिस्टेक्स निकल के आती हैं वो तभी क्लियर होती हैं जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। खाली क्वेश्चन को देखना है, आपके एक्सरसाइज शीट से क्वेश्चन को उतारो, सॉल्व करो, आंसर निकालो, आंसर को चेक करो सही है या गलत है, अगर गलत है तो क्यों गलत है उसको चेक करो। इस तरह से धीरे 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 हमारे प्रैक्टिस से हमारी प्रॉब्लम्स जो मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक को मिनिमाइज किया जा सकता है और कॉन्फिडेंस लिया जा सकता है कि जो भी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे हमारा सही जाएगा, राइट? तो ये रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा करना पड़ता है आपको। लेकिन क्या है, आप लोग सोचते हो बाकी हमारे पास पढ़ाई का टाइम कम है, बाकी और स्मार्टफोन के साथ बहुत सारा काम टाइम लगा देते हो,